नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जाते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इसको ज्वाइन कर लेना। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ दे ही नहीं रखा है। ये चीज़ें दे रखी है कि एयर क्वालिटी है, उसका इंडेक्स क्या दे रखा है, कितना इंडेक्स खराब होता है, कितना नहीं है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दे रखा है। चलते हैं इसके बाद वाले आर्टिकल के लिए। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये एजुकेशन सिस्टम के लिए आर्टिकल है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जीएस पेपर 2 के एजुकेशन सिस्टम से संबंधित आर्टिकल है। प्रीलिम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, मेंस के लिए भी है। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें? देखो, प्रीलिम में इसमें जो भी फैक्ट डेटा दे रखा है ना, उसका प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। मेंस के बारे में बात करें, मेंस में अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, वहाँ पे इसका जो डेटा है ना, उसको आप तो या तो इंट्रो में यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ लिखना हो कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए, एजुकेशन के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, संविधान में क्या प्रावधान है, वहाँ पर ये सारे फैक्ट आपको एज इट इज छाप दोगे ना, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। देखो ये पूरी है ना, पूरा पूरा इसको लाइन को देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा और सब याद हो जाएगा। सबसे पहले हमारे संविधान में एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रावधान किए कर रखे हैं, यहाँ पर देखो ये लाइन टू लाइन दे रखे हैं, 11 पॉइंट है, इसको याद कर लो। सबसे पहले अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, डीपीएसटीबी के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसमें बात करी गई है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में। ये है ना राज्य का दायित्व है, राज्य का दायित्व है कि राज्य है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ये बात कौन करता है? ये बात करता है अनुच्छेद 45। समझ में आ गया ना? ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अनुच्छेद 45 क्या बात करता है? अनुच्छेद 45 बात करता है कि राज्य फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद में है अनुच्छेद 21-1, अनुच्छेद 21-A। ये किसके बारे में बात करते हैं? सबसे पहले ये है ना मूल संविधान में नहीं था, ओरिजिनल जो संविधान है उसमें नहीं था, इसे ऐड किया गया है। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2002 में, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 2002 में, उसके द्वारा इसे ऐड कर दिया गया है। इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात की गई है 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं ना, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। किस अनुच्छेद में बात की गई है? वो अनुच्छेद है 21A, और ये अनुच्छेद आता है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, यानी कि ये मूल अधिकार है। इसका मतलब है कि राज्य को, गवर्नमेंट को ये चीज तो प्रोवाइड करनी ही होगी। इसी अनुच्छेद के तहत सरकार ने इसको वैलिडेट करने के लिए 2009 में RTE लेके आई थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लेके आई थी, इसी अनुच्छेद को वैलिडेट करने के लिए। तो ये पॉइंट आपको पता चल गया। अनुच्छेद 45 को याद रखना, जो बात करता राइट टू फ्री एजुकेशन की, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, इसी डीपीएसपी को एडिट करने के लिए 21A लाया गया। 21A कब लाया? 2002 में लाया गया, जो कि कौन से अनुच्छेद के तहत आया गया था, कौन से संशोधन के तहत लाया गया 21A? 21A लाया था 86वें संशोधन के तहत। इसमें क्या बात करी? इसमें भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन की बात की गई थी। अब 21A के बाद में 15-1-3, 15-1-3, ये किसके बारे में बात करता है? ये फंडामेंटल राइट है ये भी, और ये विमेन के लिए एजुकेशन के बारे में बात करता है। उसके बाद में आर्टिकल 46 आता है, ये भी डीपीएसपी का आर्टिकल है। इसमें SC ST और जो भी वीकर सेक्शन होते हैं उनके एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में बात की गई है। उसके बाद में हमारे आते हैं रिलीजियस जो फंडामेंटल राइट है वो, जैसे कि 25 है, 28 है, 29 है, 30 है। 25 और 28 बात किसके बारे में करते हैं? ये रिलीजियस एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। 29 किसके बारे में बात करता है? 29 करता है माइनॉरिटी की एजुकेशन के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। ये माइनॉरिटी की एजुकेशन को, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी शिक्षा को संरक्षण देने के लिए काम करता है, उनके हितों को संरक्षित करने के लिए काम करता है, वो आर्टिकल 29 करता है, ठीक है, उनके लिए काम करता है। और आर्टिकल 30, ये जो अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटीज होते हैं, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, शैक्षणिक संस्था होते हैं, उनको स्थापित करने के लिए, उनके प्रशासन के लिए अधिकार देता है, वो अनुच्छेद 30 देता है। अनुच्छेद 45 याद रहेगा, 21A याद रहेगा, 15-1, 30
तीन, फिर उसके बाद में 46 आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 25, 28 याद रखना, 29 को याद रखना, 30 को याद रखना। 385 ये किसके बारे में बात करता है, 350 ये बात करता है मदर टंग में है वो प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, तो आप इस प्राथमिक स्तर पे शिक्षा दी जाती है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। उसके बाद में 351 ये हिंदी भाषा को प्रमोट करने के बारे में बात करता है। उसके बाद में आर्टिकल 239 है ये यूनियन टेरिटरीज में केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा को प्रमोट करने के बारे में बात करता है। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटी है 51A, ये एजुकेशन को अपॉर्चुनिटी देने के बारे में बात करता है कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी देगा, अवसर देगा। 45, 21A, 15, फिर 25, 28, 29, 30, 350, 351 ये सारी चीज़ें याद रखना, 51A और 239 सारे आर्टिकल आपको याद रहेंगे, ठीक है याद रखना। ये देख लो हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है। उसके बाद में हम देख लिए थे कि 200 ये 21A लाया गया था 86वें संशोधन के तहत, और हमने ये भी देखा था 45वां DPSP के अंतर्गत आता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में भी हमने बात करी थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये किया जाता है, बच्चों को है ना पढ़ाई करनी होती है तो क्या चाहिए उनको, उनको चाहिए एक तो बैग चाहिए, साथ ही साथ में उनको कपड़े चाहिए पहनने के लिए, ड्रेस स्कूल ड्रेस चाहिए, ठीक है बुक्स चाहिए, तो ये चीज़ें खरीदने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक रिपोर्ट भी आती है एजुकेशन से संबंधित, जिस रिपोर्ट का नाम है असेर की रिपोर्ट है। इसका फुल फॉर्म क्या है, एनुअल स्टेटस फॉर एजुकेशन, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये असली रिपोर्ट निकली जाती है जिसमें बात होती है कि भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एजुकेशन की स्थिति कैसी है, वहाँ पे लर्निंग कैसी हो रही है, एनरोलमेंट कैसी हो रही है, और ये भी प्राइमरी लेवल पर बेसिक लेवल पर ये सारी बातें असली की रिपोर्ट में की जाती है। तो ये पॉइंट सारे आपको पता होने चाहिए, बहुत ईजी पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, इनको याद रखना आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, यहाँ पर आपको बोलना है कि कौन सा कथन है वो सही है, करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। और ये आप क्वेश्चन को पढ़ लो एक मिनट पॉज करके, रिपोर्ट है शीर्ष बच्चे के नाम से, ये गैर सरकारी संगठन के द्वारा जारी की जाती है जिसका नाम है ये जन जागरण शक्ति संगठन, ठीक है ये इसका नाम है, इसके द्वारा जारी की गई थी। उसके बाद में पाठ्य पुस्तकों में वर्दी के लिए ये DBT दिया जाता है, इसका नुकसान भी होता है, और ये आर्टिकल 42 में बात की गई है कि राज्य है वो प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रोवाइड करेगा, तो ये 42 की जगह आएगा 45, इसका मतलब तीन गलत है, तीन गलत है, तो ये भी गया ये भी गया, अपने पास में दो बच्चे, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, और ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी तीन आ गया, तो ये भी गलत हो गया, अपने पास में फाइनली आंसर है वो भी आ जाएगा। ऐसे एलिमिनेशन करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 42 दिया रखा है, ये देखो ध्यान से ऐसे पॉइंट भी ध्यान से देखा करो, 42 है मतलब ये गलत हो जाएगा, तो तीन गलत हो गया, इसका मतलब अपने पास में सीधा सीधा आंसर आ गया, अपने को पता है कि नहीं है ये किसने निकाला ये किसने निकाला, फिर भी अपन आंसर दे सकते हो, इसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, तो ये आपको आनी चाहिए एलिमिनेशन कैसे किया जाता है, इसका ये आंसर भी पढ़ा है, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये इन्फ्लेशन के बारे में है, महंगाई के बारे में न्यूज में क्यों है, अभी इन्फ्लेशन बढ़ गया है 6.2% के रेट से बढ़ गया है, तो बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है मुद्रा स्फीति क्या होती है, महंगाई क्या होती है, तो ये सबसे पहले RBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसको टारगेट दिया गया है कि एक ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, इसको टारगेट है कि इसको इन्फ्लेशन है 2 से 6% के बीच में रख सकती है, ये 2, 3, 4, 5, 6 के बीच में इसको इन्फ्लेशन रखना, इससे कम भी नहीं इससे ज़्यादा भी नहीं, अगर इन दोनों से ऊपर नीचे हो जाता है तो RBI है वो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इसे कंट्रोल करने का काम करेगी, और ये RBI दो दो महीने के अंतर में, मतलब एक दो महीने गए फिर दो महीने गए, कंटिन्यू अगर तीन बार ये नहीं हो गई तो RBI को जवाबदेही देनी पड़ेगी कि बार बार ये इन्फ्लेशन क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है। तो ये RBI कैसे तय करती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में तय किया जाता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अलग अलग टूल होते हैं जिनके माध्यम से RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, तो ये आपने अलग अलग टूल पढ़े होंगे, और RBI इसमें मुख्य रूप से रेपो रेट का यूज करती है, रेपो रेट के माध्यम से RBI है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, अभी इन्फ्लेशन बढ़ रही है इसका मतलब है रेपो रेट RBI बढ़ा देगी, या बढ़ा हुआ है तो उसे सेम कर देगी, आपको याद नहीं रखा है कभी बढ़ाया घटाया, लेकिन आपको आइडिया लगाना है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है इसका मतलब रेपो रेट बढ़ जाएगा, रेपो रेट बढ़ जाएगा बैंक लोन कम ले पाएगी, लोगों के पास पैसे कम होंगे, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, इस प्रकार से RBI है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होती है, मुद्रा स्फीति क्या होती है, मुद्रा स्फीति भी यानी महंगाई बढ़ गई है, और अभी टाइम देखा गया कि महंगाई वो 6.2 से बढ़ रही है,
ठीक है। और ये महंगाई वो सीपीआई से बढ़ गया, हम देखेंगे आगे सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, कारण क्या है महंगाई बढ़ने के। खाद्य जो चीजें हैं उनमें महंगाई देखी गई है, सब्जियों में है, ऑयल है, इन सब में महंगाई देखी गई है, ठीक है, इसके कारण से बढ़ गया है। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, उनके माध्यम से ब्याज दरों में कटौती करने की संभावना नहीं है, यानी कि ब्याज दर है वो सेम रखेगी या बढ़ाएगी, जिसके माध्यम से इसे कंट्रोल करने का कोशिश करेगी। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो डेटा दे रखा है कि किस कैसे कैसे बढ़ी है, बस ये चार ही चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, किस किस में कितनी महंगाई बढ़ी है क्या नहीं, कोई काम के नहीं है डेटा ये सारे, ये तो बस ऐसे ही आर्टिकल में दे दिए, हमने छाप दिए, तो अपने काम की चीजें है नहीं। ये देखो मुख्य मुद्रास्फीति कितनी है, तो ये चीजें आपके काम की नहीं है। अब महंगाई बढ़ तो रही है, अब इसे कंट्रोल में कैसे किया जाता है, तो इसके लिए एक तो होता है शॉर्ट टर्म सुझाव, ठीक है, कुछ समय के लिए, एक होते लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में क्या किया जा सकता है, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बना रही है, उसमें रेपो रेट को बढ़ा दो, ठीक है, और जिस कमी की वजह से, यानी कि खाद्य जो आपूर्ति है उनकी वजह से ये बढ़ रही है ना, खाद्य आइटम उनकी वजह से महंगाई बढ़ रही, तो उनकी आपूर्ति को बढ़ा दो। क्या करना है उसके लिए, या तो आप इम्पोर्ट करो, या एक किसी चीज़ का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये एक्सपोर्ट है उस पर रोक लगा दो, तो ये खाद्य आपूर्ति पूरी हो जाएगी, तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, इस प्रकार से कम करते हो। हमने देखा मौद्रिक नीति के माध्यम से भी कर सकते हो, तो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए हो गई, आपूर्ति को रोकना है, आपूर्ति पूरा करना है। लॉन्ग टाइम के लिए क्या करना है, हमारे जिस कमी की वजह से महंगाई बढ़ती है, जैसे कि हम दालें वगैरह खरीदते हैं, तो दालें को इम्पोर्ट को कम करना है और भारत में ही इन चीज़ों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। साथ में हम ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं, तो ऑयल की जगह कुछ और चीज़ें भी खोजनी होगी जिसके माध्यम से हम उपयोग करें। एनर्जी के लिए और भी शिफ्ट करना होगा, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इनको बढ़ावा देना होगा, ताकि इस प्रकार से महंगाई को कम किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट भी रेस्पॉन्सिबल है, अकेली आरबीआई ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती है। तो ये हमने देख लिया आरबीआई के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, यहाँ देखो ये सारी चीज़ें दे रखी है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप पता होना चाहिए, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, तो इससे संबंधित क्या क्या सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल है। SDG यहाँ पे नो पॉवर्टी, अगर गरीबी नहीं होगी, जीरो अंगर नहीं होगा, जीरो अंगर नहीं होगा तो गुड हेल्थ होगी, गुड हेल्थ होगी तो जेंडर इक्वलिटी भी आ जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी हैं, तो आपको SDG है वो याद होने चाहिए। तो कैसा भी क्वेश्चन आए वहाँ पर SDG का भी आप यूज़ कर सकते हो, तो आपके जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको पता लगेगा कि इस बंदे को बहुत जानकारी थी, तो इससे क्या तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं, तो इस चीज़ों का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, अब मुद्रास्फीति के प्रभाव देखिए, इससे क्या होगा, खरीदार की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, मतलब बाइंग पावर है वो कम हो जाएगी, तो ये सारी नुकसान देखने को मिलती है। भारत में मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन होती है उसे कैसे मापा जाता है, एक होता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, तीसरा होता है PPI मतलब क्या होता है, उत्पादक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये अलग अलग प्रकार के ऐसे इंडेक्स होते हैं। तो CPI हम रिटेल में देखेंगे, WPI देखेंगे, PPI मतलब क्या होता है, देखो कोई भी उत्पादक होता है, कोई भी कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसका मालिक है, वो किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज कर रहा है, वो किस प्रकार से चीज़ों को बेचता है, उसे PPI कहा जाता है, तो ये इंडस्ट्री को देखने का काम करती है। WPI में मार्केट को देख सकते हो आप, और CPI में आप कंज्यूमर को समझेंगे कि कंज्यूमर पे क्या असर होता है, वो CPI में दिखाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे यह WPI के बारे में आप देख लो, ये देखो रहा WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे कारोबारी है उनके बारे में पता चलता है। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है, ये मार्केट की मांग उसके बारे में बताता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, इसे कौन प्रकाशित करता है, इसे जारी कौन करता है, इसे रिलीज कौन करता है, तो इसके बारे में बात करें तो इसे इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा जारी किया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखना, WPI को इकोनॉमिक एडवाइजर आर्थिक सलाहकार द्वारा जारी किया जाता है, वो भी मंथली बेसिस पे, मासिक रूप से। ठीक है, और ये जो इकोनॉमिक एडवाइजर कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, आर्थिक सलाहकार विभाग उसके द्वारा WPI जारी किया जाता है। WPI का बेस ईयर कौन सा है, 11-12 है वो WPI का बेस ईयर है। WPI में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये आप प्रमुख घटक शामिल है, पर इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं, ये देखो प्राथमिक वस्तु है जिसमें खाना आ गया, ईंधन बिजली आ गई, और ये सामान है कपड़ा वगैरह है, तो ये WPI में फोकस किया जाता है। फिर एक आती है हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, अलग अलग टर्म में एक एक पॉइंट में याद रखना। हेडलाइन में क्या होती है, जो हेडलाइन में रही काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उनको एक बास्केट में रखा जाता है और फिर ये न्यूज़ में आ जाएगी, उसे कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन में ये जो बास्केट है इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, इसमें कुछ चीज़ें हटा दो, जैसे कि भोजन को हटा दो,
ईंधन को हटा दो, ईंधन मतलब जो यूज हो रहा है क्रूड ऑयल वगैरह उनको हटा दो, इन चीजों को शामिल नहीं करोगे तो बन जाएगा कोर इन्फ्लेशन। इनको क्यों? क्योंकि भोजन है, ईंधन है, इनकी प्राइस डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है, काफी शोर करती है, तो इनको हटा दो तो बाकी जो बचेगी उनको कोर इन्फ्लेशन कहा जाएगा। तो ये हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन ये समझ में आ गई होगी। अब WPI और CPI के बीच में अंतर क्या है? WPI जो कि मार्केट के बारे में बताता है, CPI जो कि कंज्यूमर के बारे में बताता है। WPI में सेवाओं को ऐड नहीं किया जाता, सर्विस को ऐड नहीं किया जाता है, जबकि CPI में सर्विस को ऐड किया जाता है, ठीक है। और CPI है वो WPI की तुलना में ज़्यादा प्रासंगिक है, इसका उपयोग ज़्यादा होता है, ठीक है जी। अब हम CPI के बारे में देख लेते हैं। CPI के बारे में बात करें जिसे खुदरा मुद्रास्फीति या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहा जाता है, ठीक है। ये वस्तुओं को ट्रैक करती है, आम आदमी पर इसका कितना असर हो वो इसके द्वारा तय किया जाता है। इसे कौन जारी करता है? इसे NSO नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसका बेस ईयर 2012 है, और हमने WPI का देखा था 2011 उसका बेस ईयर था। उसे कौन जारी कर रहा था? इकोनॉमिक एडवाइजर जारी कर रहा था, और इसे NSO द्वारा जारी किया जा रहा है। वस्तु और सेवाओं के बारे में बताती है, घटक क्या इसमें ईंधन है, प्रकाश है, बिजली, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है, ठीक है। अब ये जो CPI है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। CPI WI यानी कि ये इंडस्ट्री के बारे में बात करती है, फिर ये CPI एग्रीकल्चर के बारे में बात करती है, ये CPI रूरल होती है ग्रामीण के बारे में बात करती है, ये CPI अर्बन होती है जो शहर के बारे में बात करती है, ये CPI किसानों के लिए। तो ये किस CPI वो अलग अलग प्रकार की थी, अपने को मुख्य रूप से CPI ही याद रखना है, बाकी ये डिटेल में नहीं जाना है। और ऊपर वाली जो CPI तीन CPI WI है, फिर एयर जो किसानों वाली है, ग्रामीण वाली है, इनको जारी किया जाता है लेबर ब्यूरो है LB उनके द्वारा, लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी CPI जो ग्रामीण और शहरी है इनको जारी किया जाता है NSO द्वारा। तो अपन को NSO वाले को याद रखना है, बाकी के डेटा को देखना नहीं है, ठीक है। और बेस ईयर हमने देख लिया 2012 है, और ये जो है ना श्रमिकों वाली, ठीक है, WI CPI WI है, इसको जारी किया जाता है 2016 में, इसका बेस ईयर है वो 2016 है। ये WI है यानी IW इसका बेस ईयर है वो 2016 है, ठीक है। और CPI कैसे जारी किया, इसका सूत्र क्या है, मतलब इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? तो एक तो जो चालू वर्ष है, मतलब अभी अभी जो 2024 चल रहा है, तो 2024 में इस टोकरी का प्राइस क्या है, और बेस ईयर कौन सा है 2012, तो इसका प्राइस क्या था, उसमें 100 से गुणा करो तो आपको पता चल जाएगा CPI कितना आएगा। इस प्रकार से इसे व्यक्त किया जाता है, परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग इन्फ्लेशन को, महंगाई कितनी है उसको देखने के लिए CPI का उपयोग किया जाता है। फिर हमारी जो मुद्रा स्फीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है, उसमें RBI वो CPI को यूज़ करके ही मुद्रा स्फीति को, इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, उसे कंट्रोल रखने की कोशिश करती है। डिफ्लेटर में भी यूज आता है, डिफ्लेटर में कैसे कि जो व्यक्ति है उनकी क्रय शक्ति कितनी है, बाइंग पावर कितनी है, वो भी CPI के द्वारा देखा जाता है। आर्थिक योजना भी इसका उपयोग होता है, और भी कहीं जगह सब्सिडी वगैरह देने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। ब्याज दरें वगैरह वो तय CPI के माध्यम से किया जाता है, और हमने ये देख लिया 2016 है वो किसका, उसका है, ठीक है जी। मौद्रिक नीति समिति हमने देख लिया, MSP से 2014 में स्थापित किया गया था, जिसका कंट्रोल क्या है, जिसका है 2 से 6% के बीच में रखना, किसको, इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रखने का काम है वो मौद्रिक नीति समिति। इसको कौन हेड करेगा? RBI के द्वारा इसे बनाया जाता है, और RBI ही इसे तय करेगी कि कितनी रेट होनी चाहिए, तो ये RBI के द्वारा तय की जाती है, और इसे 2014 में बनाया गया था। तो ये हमने पूरा डिटेल से देख लिया, RBI और इन्फ्लेशन के बारे में देख लिया, मौद्रिक नीति के बारे में देख लिया, CPI के बारे में, WPI के बारे में, सबके बारे में देख लिया है। तो क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में होना चाहिए, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं तो देखने की आवश्यकता है नहीं। NSO के बारे में बात करें तो 1951 में स्थापित किया गया था, तब इसका नाम था केंद्रीय सांख्यिकी संस्था, सेंट्रल स्टेटिक्स इंस्टीट्यूट इसका नाम था, बाद में चेंज कर दिया गया, और फाइनली 1999 में 1999 में इसका नाम बदल के NSO कर दिया गया, और ये नई मिनिस्ट्री बनाया गया था, ठीक है। कौन सा नया मिनिस्ट्री बनाया गया था? सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, स्टेटिक्स एवं इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री बनाया गया नया, उसके अंतर्गत इसे लागू कर दिया गया, उसके अंतर्गत इसे शामिल कर दिया गया। तो NSO ये 1999 बना था, पहले इसका नाम अलग था। इन्फ्लेशन के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन देख ले चुके हैं, कोर इन्फ्लेशन देख चुके हैं, मुख्य इन्फ्लेशन देख चुके हैं, तो ये इससे संबंधित था पूरा, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको भी आप देख सकते हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो गोटी कोया ट्राइब के बारे में, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को इससे संबंधित डेटा मांगा गया है, कहा गया कि इससे संबंधित डेटा दो। तो गोटी कोया ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं। गोटी कोया ट्राइब के बारे में बात करें तो ये बहुनस्लीय यानी कि मल्टी रेशियल और बहु लैंग्वेज, ठीक है, बहुभाषी यानी कि मल्टी लिंगुअल ट्राइब है, मतलब इसकी रेशियल भी बहुत है और भाषा भी बहुत है। ये
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा में केंद्रित है। भाषा कौन सी बोलती है? कोया भाषा बोलती है, जो कि द्रविड़ भाषा है और गोंडी से मिलती जुलती है, तेलुगु भाषा से प्रभावित है। ये पॉइंट सारे याद रखना, कोया द्रविड़ भाषा है, गोंडी से मिलती जुलती है, तेलुगु से प्रभावित भाषा है। ठीक है जी। क्या करते हैं? जूम खेती करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसका जो पौंडू रूप है उसको अपनाते हैं। फिर ये पशुपालन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, छोटे छोटे जो जीव का वन वगैरह होता है उनमें काम करते हैं। त्यौहार कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है इनके द्वारा? मेला सक्कम्मा सरमल्ला जात्रा, ये एक त्यौहार है। मेला सक्कम्मा सरमल्ला जात्रा ये त्यौहार है, वो इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस त्यौहार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये त्यौहार है 2 साल में सेलिब्रेट किया जाता है, जनवरी फरवरी माघ मास में सेलिब्रेट किया जाता है, पूर्णिमा के दिन। कहाँ पर? ये वारंगल डिस्ट्रिक्ट में, ये मेद्राम गांव है, वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये एसटी में है और तेलंगाना में इनको एसटी में शामिल नहीं किया गया है। संस्कृति के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोया गोत्रम होता है उसमें शामिल है, 5 विभाजन में। ये पितृवंश के होते हैं और पितृ स्थानीय परिवार होता है, यहाँ पर परिवार को कुटुंब कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। इनसे संबंधित देखो ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर सही आंसर है उसको आपको चूज करना है। ये भारत में बहुनस्लीय बहुभाषी हैं। ठीक है, सही है। द्रविड़ भाषी हैं, गोंडी से मिलती जुलती। देखो आपको है ना, इसमें से भी एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। तो पहला पॉइंट आपको नहीं पता, ये चीजें फोकस करो, ये तमिल से मिलती जुलती है, तमिल से मिलती जुलती नहीं, तेलुगु से है। इसका मतलब दो हटा दो, दो हटा दो, दो हटा दो, दो हट गए तो तीनों चले गए फाइनली। ये आपको भले एक के बारे में नहीं पता, तीन के बारे में नहीं पता, ओनली दो के बारे में पता है, तो आपने आंसर निकाल लिया। अब दो के बारे में भी नहीं पता तो आप अपने हिसाब से देख लो, वो तो कुछ नहीं हो सकता फिर। तो ये इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो सह्याद्री टाइगर हिल के बारे में, सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में। क्यों सुर्खियों में यहाँ पर बाघ दिखाई गया है, इसलिए न्यूज में हम बात करते हैं सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में। कहाँ पर लोकेटेड है ये? वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये है ना कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंदोली नेशनल पार्क, ये दोनों से मिलकर बना हुआ है। कौन? सह्याद्री टाइगर रिजर्व। और इसके माने ज्योग्राफी फीचर के बारे में बात करें तो ये कोयना डैम है, वरना रिवर है वो यहीं से होके फ्लो करती है, और भी कई स्मॉल रिवर वो यहाँ से होके फ्लो करती है। कौन कौन सी वेजिटेशन है आपके? एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, सदाबहार है, अर्ध सदाबहार है, आर्द्र शुष्क यहाँ पे वो फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। आवास के बारे में बात करते यहाँ पे वुडलैंड है, फिर ग्रास लैंड है, मतलब जो भी घास के मैदान है वो देखने को मिलते हैं, पठार देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पठारों को सद्दा कहा जाता है, लोकली नॉन एनर्जी सद्दा के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है जी। अब कुछ और भी पॉइंट है सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में, वो भी आप एक बार देख लो। यहाँ पे फ्लोरा कौन कौन से? ये सारे फ्लोरा है, देखो करवी है, बैम्बू है, कुम्बाल है, एक प्रकार के फोडर जो घास होते हैं चरने वाले उसके रूप में ये देखने को मिलते हैं। फोना में कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज है, लाइक ये कार्निवर्स है, नहीं जो मांसाहारी होते हैं ना, टाइगर है, वाइल्ड डॉग है, लियोपर्ड्स है, ये कोई कार्निवर्स देखने को मिलते हैं। फिर हर्बीवर्स में शाकाहारी कौन कौन से? गोर है, सांबर्स है, हॉर्न एंटापोल्स है, माउस डियर है, ये सारी शाकाहारी भी है। कुछ नोटेबल स्पीसीज लाइक एटलास मॉथ है, मून मॉथ है, सेवल बटरफ्लाइज है कुछ, तो ये सारी चीज़ें, ये बिल्ड लॉन्ग वल्चर है, ये भी देखने को मिलती है सह्याद्री टाइगर रिजर्व में। ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में था, ये देख लो। यहाँ पर कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंदोली नेशनल पार्क दोनों मिलकर ये बन गया। फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, गोवा है, ये दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व है, तो ये टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। यूपीएससी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये आपको माइंड में होना ही चाहिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल की उसकी ओर चल लेते हैं। ये तो नाइजीरिया के बारे में, यूपीएससी मेंस में डायरेक्ट नाइजीरिया के बारे में कभी नहीं पूछेगा कि नाइजीरिया और भारत के संबंध कैसे है, ये वो वहाँ पे ये काम आएगा नहीं, ये आर्टिकल भी इतना कोई इंपॉर्टेंट था नहीं। नेक्स्ट जो है पिनाका हथियार प्रणाली के बारे में, पिनाका वेपन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले ये स्वदेशी रूप में इंडिजीनियस भारत खुद ने विकसित किया, किसने बनाया? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की एक आयुष अनुसंधान संस्था थी, उसने उसकी हेल्प करी, टाटा ने और एलएनटी ने इसकी हेल्प की, इसकी मदद से बनाया। आपको पॉइंट याद होना चाहिए, डीआरडीओ ने इसके बनाया है और किसी ने मदद नहीं करी है, मतलब मदद वैसे तो करी पर बाहर के किसी देश ने मदद नहीं करी है, एलएनटी और टाटा ने इसकी हेल्प की थी। इंडिजीनियस है, क्या काम करती, कैसे करती, ये मल्टी बैरल लॉन्च रॉकेट लॉन्चर है, मतलब एक साथ कहीं सारी रॉकेट है वो दाग सकती है, 12 रॉकेट की बौछार कर सकती है, 38 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर, 75 किलोमीटर इसकी मार्ग क्षमता है, और आर्मेनिया इसको खरीद चुका है, फ्रांस भी खरीदने की सोच रहा है। तो ये पिनाका हथियार प्रणाली के बारे में था। नेक्स्ट है पेलियोसिन ईओसिन थर्मल मैक्सिमम एपेटम के बारे में। कल भी एक युग आ गया था, आज भी एक युग आ गया, ये युग बार बार आ जाते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। क्या हुआ है, क्यों आया युग? युग इसलिए आया है कि जो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसका असर है
वो जो उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल वर्षावन है वहाँ पर भी देखने को मिलता है, इसलिए ये सुर्खियों में आ गया। और इसकी जो गणना की गई, अध्ययन किया गया ना, इसमें पेटम युग की भी उपयोग किया गया था। पेटम के बारे में बात करें तो पेटम एक युग है, ये 56 मिलियन ईयर एगो का है, 56 मिलियन पुराना एक युग है। और इस दौरान क्या रहा था, इस दौरान तापमान अचानक बढ़ गया था, 4 से 5 डिग्री तापमान अचानक बढ़ गया था, इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि उस दौरान तापमान बढ़ गया था। क्यों बढ़ा था ये कुछ रीजन दे रखे हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। प्लियोसिन इयोसिन थर्मल मैक्सिमम क्या है ऐसे पूछ ले तो ये एक युग है, बस इतनी पता होनी चाहिए आपको, इससे ज्यादा कोई आइडिया रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं ई तरंग प्रणाली के बारे में। ई तरंग प्रणाली क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, रक्षा मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित ई तरंग प्रणाली को शुभारंभ किया है, लॉन्च किया है। ठीक है जी, अब ई AI जो आधारित ई तरंग प्रणाली है इसको सबसे पहले किसने बनाया था, तो ये अपना है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट, इसने इसकी हेल्प की थी बिसांग एन ने, भास्कराचार्य ने और बिसांग एन ने दोनों ने मिलकर AI आधारित ई तरंग प्रणाली को बनाया था। विशेषता क्या होगी, स्पेक्ट्रम की खुद रक्षा करेगी क्योंकि AI बेस्ड है, तो खुद ही खुद प्रबंधन करेगी, खुद इसको संभालेगी, खुद मैनेज करेगी और संचालन भी खुद करेगी, इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगी। ई तरंग प्रणाली समझ में आ गया, ई तरंग प्रणाली में AI का यूज किया है, AI खुद ब खुद काम करेगी, बस दो पॉइंट तो है, कुछ है ही नहीं यार। स्थापना हेतु सहमति, कंसेस टू एस्टैब्लिशमेंट, क्या चीज है क्या भाई है, कुछ नहीं है। देखो कोई भी आपको कंपनी स्थापित करनी है उसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये मंजूरी किससे लेनी पड़ेगी, कई सारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं राज्य के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उससे ये सहमति लेनी पड़ती, पहले लेनी पड़ती थी दो सहमति, अब क्या हुआ, अब केंद्र सरकार ने कहा है, जो हमारे पर्यावरण मंत्रालय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री उन्होंने कहा ये दो दो सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यार कोई अच्छा जैसे कोई व्हाइट श्रेणी के उद्योग है, व्हाइट श्रेणी के मतलब जो पॉल्यूशन कम फैला रहे उनको यार बार बार सहमति लेते फिरो, तो व्हाइट श्रेणी के जो उद्योग है उनको CTO लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको संचालन के लिए स्थापना हेतु सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, CTO लेने की आवश्यकता नहीं है, किनको, व्हाइट श्रेणी के उद्योगों को CTO लेने की आवश्यकता नहीं है प्रदूषण के लिए, ठीक है। दूसरा है जिन्होंने पहले ही मंजूरी ले लिए, व्हाइट श्रेणी को CTO लेने की आवश्यकता नहीं है, संचालन के लिए स्थापना हेतु सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा जिसने पर्यावरण की मंजूरी पहले ले ली है उनको फिर CTO यानी कि स्थापना हेतु सहमति, ये संचालन के लिए सहमति है, वो किनको लेने के नहीं जरूरत है, वो वाइड श्रेणी की, और स्थापना हेतु सहमति किसको नहीं लेनी है, वो नहीं लेनी है पर्यावरण की जो मंजूरी पहले ले चुके हैं, यानी कि जिन्होंने स्थापना की होगी संचालन किया होगा उनको पहले ही मंजूरी लेनी थी, अगर वो ले ली तो इनको बाद में CTO लेने की आवश्यकता नहीं है। तो संचालन हेतु सहमति अलग है जिसे CTO कहा जाता है, और सहमति स्थापना हेतु सहमति जिसे CTE कहा जाता है। CTO किनको नहीं लेनी है, जिन्होंने पहले पर्यावरण की मंजूरी लेनी उनको CTE नहीं लेनी है, और CTO किसको नहीं लेना, जिन्होंने वाइड श्रेणी की श्रेणी में आते उनको CTO लेने की आवश्यकता नहीं है। अब स्थापना हेतु सहमति क्या होती है, वाटर पॉल्यूशन एक्ट है 1974 का, एयर पॉल्यूशन एक्ट है 1981 का, इन दोनों को अंतर्गत CTE प्राप्त करना, कोई भी उद्यम है कोई भी इंडस्ट्री उनको स्थापित करने के लिए इन दोनों एक्ट के अंतर्गत ये लेने की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों एक्ट का पता होना चाहिए, कौन से एक्ट के तहत CTE लेने की आवश्यकता होती है, स्थापना हेतु सहमति लेने की आवश्यकता होती है, तो ये एयर पॉल्यूशन एक्ट और वाटर पॉल्यूशन एक्ट दोनों का आइडिया आपको होना चाहिए। और ये कहाँ से लेते हैं, राज्य प्रदूषण बोर्ड के द्वारा ये लेने की आवश्यकता होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम मेट्स। अब देखो इतना बड़ा नाम है कुछ नहीं है भाई, ऑस्ट्रेलिया की एक स्कीम है, ऑस्ट्रेलिया में भारत के जो लड़के हैं जो कर चुके हैं BA BEd ग्रेजुएशन वगैरह कर चुके हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में जाना काम करने के लिए, तो वीज़ा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया एक स्कीम लेके आया, तो इतना याद नहीं, बस इतना रखना, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम ऑस्ट्रेलिया की है, भारतीय लोगों के लिए, भारतीय जो स्टूडेंट है उनको वीज़ा देने के लिए ये स्कीम लाई गई। तो बस सिंपल से दो पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया की है भारतीय स्टूडेंट के लिए, ऑस्ट्रेलिया की है भारतीय स्टूडेंट के लिए उनको वीजा देने के लिए, बस इतना ही पूछेगा, पूछेगा तो और थोड़ी पूछेगा डिटेल में, ऑस्ट्रेलिया की बताओ, भारत की पूरी नहीं हो रही, ऑस्ट्रेलिया की याद करते फिर, बस हो गया काम। बोडो जनजाति कहाँ की है, असम की, क्यों सुर्खियों में, बोडोलैंड महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है इसलिए सुर्खियों में, ठीक है। कहाँ पर देखी जाती, कहाँ पर पाई जाती है जनजाति, ये असम में पाई जाती है, एक पूरा रीजन है बोडो प्रादेशिक रीजन है, वहाँ पर ये निवास करती है, कई सारे जिले आते हैं, क्यों जा रहा है, बक्सा है, उदयगिरी है, चिरांग, ये सारे जिले आ जाते हैं इसमें। छठी अनुसूची में भी इनके लिए अलग से शासन की व्यवस्था की गई है, बांग्लादेश नेपाल पूर्वोत्तर में अन्य राज्यों में भी ये रहते हैं। भाषा कौन सी बोलते हैं, बोडो भाषा है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, एक समझौता भी हुआ था 2020 में केंद्र असम और बोडो समुदाय के बीच में, याद रह जाएगा। बोडो जनजाति कहाँ रहती है, असम में, 8वीं अनुसूची में शामिल है, 6वीं अनुसूची में इनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है,
बोडो शांति समझौता, दिल्ली में बोडोलैंड महोत्सव हो रहा है, बस इतना सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट सोलोमन द्वीप के बारे में क्या है, क्यों सुर्खियों में सोलोमन द्वीप पे कोरल आइलैंड मिला है, ठीक है, कोरल जो सबसे बड़ा कोरल मिला है इसलिए ये न्यूज में आ गया। सोलोमन द्वीप कहाँ में है, प्रशांत महासागर में सोलोमन द्वीप है, ठीक है। और ये जो मिला है ना क्या परवाल, ये नाइडेरिया फाइलम संघ से आता है, और ये कहाँ पर मिलता है, ये उष्णकटिबंधीय समुद्र तो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सोलोमन द्वीप कहाँ पर है, हमने देख लिया है प्रशांत महाद्वीप में है, और ये एक परवाल से बना हुआ, एटोल से बना हुआ, ये सारी चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हॉलमार्क के बारे में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो है, उन्होंने हॉलमार्क की नई है वो आदेश जारी किया है, यानी कि 2040 में इन्होंने 2024 में इनका चौथा संस्करण है वो शुरू किया है। अब कोई भी गोल्ड है, सिल्वर है, जो महंगी धातु है ना, उनकी शुद्धता चेक करने के लिए, उनके शुद्ध है वो नहीं चेक करने के लिए ये हॉलमार्क जरूरी हो गया है, ठीक है। हॉलमार्क से क्या होता है, हॉलमार्क से ये हो जाएगा कि वो गोल्ड है, सिल्वर है, वो शुद्ध है, उसकी पहचान करने के लिए हॉलमार्क किया जाता है। भारत में दो जो बहुमूल्य धातु है, सोना और चांदी, इनके लिए ही हॉलमार्किंग की जाती है। तो हॉलमार्किंग कौन करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो करता है। भारत में कुछ दो वस्तु है, सोना चांदी, इन पे किया जाता है। दो पॉइंट याद रहेंगे, सिंपल पॉइंट थे, कोई झंझट मारी नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट है डोमिनिका, राजधानी कौन सी है, रोजो, क्यों है, मोदी जी को अवार्ड दिया गया इसलिए न्यूज में आई है। कहां पर है ये रहा, ये कौन सा है, कैरेबियन सी, यहां पर ये देखो ना कौन सा, डोमिनिका राज्य, राजधानी इसकी रोजो है, बस इतना ही पता होना चाहिए कहां पर ये स्थित है, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की इसमें आवश्यकता नहीं, कौन सी भाषा ये वो इतना नहीं रखना आप लोग, आर्टिकल काम का नहीं है, आसपास के बारे में मणिपुर के काम का है नहीं। नेक्स्ट है मकाऊ के बारे में, इसको लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पर है, ये रहा मकाऊ, ये लोकेशन है, ये साउथ चाइना सी है, हांगकांग है, यहाँ पर इसकी लोकेशन है, बस इतना ही पता होना चाहिए मकाऊ के बारे में, कैपिटल भी मकाऊ है, बाकी कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मदर टेरेसा जी के बारे में है, मदर टेरेसा कौन थी, एक मिशनरीज थी, कैथोलिक नन थी, उन्होंने काफ़ी काम किया था, बीमार लोगों के लिए घर दिया था, इनको अवार्ड भी मिला था, कौन सा, शांति के लिए नोबल पुरस्कार भी मिला था, और कहीं भी और भी पुरस्कार मिले थे। तो ये मदर टेरेसा जी के बारे में था, इतना डिटेल में था नहीं। नेक्स्ट है गौरव जनजातीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, बिरसा मुंडा जी की, इनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके लिए सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, राष्ट्रीय गौरव की वीरता, इन सब के लिए और आदिवासियों के प्रयास को पहचानने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल था, ये पूरी डिस्कशन थी, आराम से हमने पढ़ा, आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।